ये है चाहते में प्रशा की बहन का किरदार निभाने वाली आप सबकी प्यारी मासूम भोली सी वैजयंती उर्फ कृतिका। इन दिनों शो में काफी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस कर रही हैं। कृतिका ने अपने दिए एक इंटरव्यू में रिसेंटली चल रहे ट्रैक के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, ये बात सच है कि मुझे यहाँ इस शो में प्रशा की जगह थोड़े दिन काम करने के लिए लाया गया है, यानी कि लीड में प्रशा सारांश को छोड़ करके चली जाती है। जब मेरा ख्याल आता है रुद्राक्ष को और सारांश का ध्यान रखने के लिए वो मुझसे शादी करता है, लेकिन जिस तरह से मेरे बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं मुझे उससे बहुत घबराहट होती है। अपने दिए रिसेंटली इंटरव्यू में कृतिका यानी कि प्यारी वैजयंती ने कहा, शो में मेरे किरदार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं ये साफ करना चाहूँगी कि वैजयंती एक पॉजिटिव किरदार है, ऐसी पॉजिटिव किरदार है जो आपने अब तक के शो में और भी देखी होंगी। कुछ कुछ प्रशा में क्वालिटीज ऐसी अफवाहें हैं जो वैजयंती और रुद्र के प्रशा के बीच में दरार पैदा करेगी, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, वैजयंती और रुद्र की शादी होगी, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण, और ये रुद्र की ओर से एक पहल होगी, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी रोमांटिक झुकाव नहीं होगा। आगे अपनी परफॉर्मेंस और अपने रोल को जस्टिफाई करते हुए आपकी प्यारी कृतिका ने बताया, वैजयंती रुद्र की तरफ देखती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और लंबे समय से उसके गाने सुनती आ रही है। वो उसे रोमांटिक रूप में पसंद नहीं करती। फैन है जो मेरे इस किरदार की तुलना साथ निभाना साथिया 2 के मेरे पिछले किरदार से कर रही है, जो कि नेगेटिव था और जो कि पूरी तरह से निराधार है। मैं चाहती हूं कि फैंस आराम से समय लें और मेरे किरदार को समझकर फिर ही वैजयंती के किरदार को थोड़ा जज करें। वेल, वैजयंती, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि किसी को भी हमें जल्दी जज नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में अपनी राय इतनी जल्दी बनानी चाहिए, क्योंकि अब तक तो वैजयंती ने कुछ भी ऐसा नेगेटिव काम नहीं किया है जिसके चलते उनके कैरेक्टर को नेगेटिव बोला जाए। लेकिन फैंस तो फैन हैं, वो जो कहते हैं, वो जो सोचते हैं, वो अमूमन सच हो ही जाता है। अगर फैंस के आस लगा रही हैं कि वैजयंती का किरदार इस शो में नेगेटिव हो सकता है, तो क्या पता आने वाले एपिसोड्स में हमें वैजयंती का कोई नया लुक देखने के लिए मिल जाए। फिर आपको क्या लगता है कि वैजयंती एक पॉजिटिव रूप में आई है या फिर नेगेटिव किरदार उसका हो सकता है? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।